हमें बताएं कि आपका जो कार्यकाल था इसमें बहुत सारे लोगों का ये आरोप था कि आवास के नाम पर कुछ पैसे वगैरह की मांग की जाती थी, क्या था पूरा? देखिए, हम लोग एक रुपया भी आज तक किसी आवास के नाम पर किसी पर नहीं लिए है। अच्छा, आपके वार्ड में जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड डिजर्व करते हैं, उन लोगों को अभी तक नहीं बना, उन लोग शिकायत कई बार आपसे मुलाकात किया लेकिन आपने किसी तरह का पहल नहीं किया। देखिए, जितना राशन कार्ड मेरे यहाँ चार डीलर बांटता है राशन कार्ड, 45 वार्ड में सबसे बेसी राशन कार्ड मेरे यहाँ है। अब बात शिकायत की, जैसे राशन कार्ड किसी का बन गया परिवार में, किसी का जूटा नहीं है। जैसे चार लोग का था, शादी ब्याह कर लिया और उसका एक ठोकर जोड़ना, वही समस्या हो सकता है। लेकिन कोई घर ऐसा छूटा नहीं है जो राशन कार्ड हमने नहीं बनाया। देखिए, सबसे बड़ा समस्या रोड का नाला का, मेरे यहाँ नाला है ही नहीं और नाला बना ही नहीं है, निकास कहाँ से देंगे? अगर नाला बना भी देंगे तो निकास जरूरी है। कि आप कहीं वार्ड में जो है हल्के सी बारिश से पूरी तरह जल जमाव हो जाती है, लोगों को चचरी पुल के सहारे चलना पड़ता है, लोगों को जान जोखिम में डाल कर चलना पड़ता है, क्या करना चाहिए अगर मौका दिया? देखिए, इस बार तो जल जमाव का समस्या रहा ही है और बहुत ज्यादा बारिश भी, निकास तो साफ बंद हो गया, बगवाड़ियों को पानी निकलता था वो भी बंद हो गया। और है क्या, सब कुछ लोग जो घर है कुछ मतलब जिधर जिधर गड्ढा गड्ढा साइड में घर बनाए हैं, समस्या उसके साथ है और जल जमाव है। हम लोग प्रयास करेंगे वहां तक भी रोड पहुंचावे। नमस्कार, मैं आमिर। खास बात कार्यक्रम को लेकर हम आप पहुंचे हैं कटिहार के नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 3 में, और अभी जहां मौजूद हैं ये वार्ड संख्या 3 है और यहां पे प्रत्याशी के रूप में दीपा देवी हैं जो उनके पति हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, प्रतिनिधित्व करते हैं उनके। हम उनसे बहुत सारी बातों को जानेंगे कि इन पर बहुत यहाँ के स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया था कि इनके परिजन के रिश्तेदारों के द्वारा जो है आवास के नाम पर पैसे वगैरह की मांग की जाती। सर, क्या मामला था, हम इन्हीं से जानेंगे पूरी बात। जी, सबसे पहले क्योंकि वक्त देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप हमें बताएं कि आपका जो कार्यकाल था इसमें बहुत सारे लोगों का ये आरोप था कि आवास के नाम पर कुछ पैसे वगैरह की मांग की जाती थी, क्या था पूरा? देखिए, हम लोग एक रुपया भी आज तक किसी आवास के नाम पर किसी पर नहीं लिए है। ये लोग फंसाने के चक्कर में या जो भी झूठ मूठ बोल रहा है, आप किसी से पूछ सकते हैं, मेरे सामने कभी नहीं लिया। और दूसरी बात क्या है कि हम अपने वार्ड में जितना समय दिए आज तक और उतना कोई भी वार्ड पार्षद 45 वार्ड पार्षद में नहीं दिया है। अगर गई बात यहाँ योजना की, तो 2.5 साल तो कोरोना काल रहा, 2.5 साल कोरोना काल रहने के बाद उसके बाद आपको 4 बार कम से कम नगर आयुक्त को बदलाया गया, उसके बावजूद भी हम कम से कम आपका 250 आवास का काम चल रहा है और कम 400 शौचालय का काम चल रहा है मेरे यहाँ वर्तमान में। उसके बाद में आपका राशन कार्ड कम से कम अभी 800 राशन कार्ड बना है अपने कार्यकाल में और 480 वेपर लाइट लगा हुआ है। आप घूम जब शाम में आप मेरे वार्ड में घूमिएगा तो आपको महसूस होगा कि हम शहर में हैं। और जितना मेहनत हम जब भी हमारा जो भी लोग हमारे मतलब पब्लिक जब जब याद किया है तो हम उसके लिए फोन करता है, उसके बाद पहुँचते हैं। 24 घंटा हम पब्लिक के बीच रहने वाले लोग हैं और हम लोग ग्रास रूट से आते हैं, हम लोग सबसे पब्लिक का सबसे अंतिम कड़ी का लोग हैं। हम लोग नहीं सुनेंगे तो कौन सुनेगा? और जहां तक जितना भी आरोप लगाया गया है वो सब आरोप गलत है, ऐसा नहीं। आपके कार्यकाल में जो है कितना कुछ काम किया हुआ था, कितने सड़कें वगैरह क्या कितनी बनी थी सर? देखिए, सड़कें तो हम लोग बहुत सारी योजनाएं ले जाते थे लेकिन 8 बार 10 साल में 8 बार अविश्वास विश्वास लगा, इसके चलते परेशानी हुई है। जनता को अधिकार है हमसे पूछने का, ऐसी बात नहीं, पूछ सकते हैं कि हमारे में क्या कमियां हैं। जब जब हम लोग नगर निगम में जाते थे तो अविश्वास विश्वास, तो नगर आयुक्त का बदली हो गया, तो भी अभी 1 साल के अंदर अभी छीटावाड़ी में ही लगभग 42.5 लाख का रोड बना है जो आपको आप देख सकते हैं जाके, और एक खान टोला मोहरा में लगभग 18 लाख कुछ का काम भी चल रहा है वर्तमान में अभी। कार्यकाल हुआ, आपके वार्ड में जो है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो राशन कार्ड डिजर्व करते हैं, उन लोगों को अभी तक नहीं बना, उन लोग शिकायत कई बार आपसे मुलाकात किया लेकिन आपने किसी तरह का पहल नहीं किया। देखिए, जितना राशन कार्ड मेरे यहाँ चार डीलर बांटता है राशन कार्ड, 45 वार्ड में सबसे बेसी राशन कार्ड मेरे यहाँ है। अब बात शिकायत की, जैसे राशन कार्ड किसी का बन गया परिवार में, किसी का जूटा नहीं है। जैसे चार लोग का था, शादी ब्याह कर लिया और उसका एक ठोकर जोड़ना, वही समस्या हो सकता है। लेकिन कोई घर ऐसा छूटा नहीं है जो राशन कार्ड हमने नहीं बनाया।
हर घर में राशन कार्ड। इस बार फिर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं आपके कैंडिडेट। मेरी पत्नी है। हाँ, पत्नी है, क्या नाम उनका? दीपा देवी। इस बार किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखिए क्या मुद्दा क्या है? इस बार जो 10 साल में नहीं हुआ है इस बार होगा, क्योंकि अब तो आपका मेयर और डिप्टी मेयर का अविश्वास विश्वास का भी खत्म हो गया। अब रह गया क्या? सिर्फ काम होगा। और काम क्या होगा? रोड नाला बिजली पोल जो भी समस्या होगा इस बार हम करेंगे। अगर इस बार नहीं करेंगे तो अगले बार हम वोट मांगने नहीं जाएंगे किसी के बीच। पिछले बार कार्यकाल में ऐसा कुछ रहा जो समस्याएं थी जो आपके कार्यकाल में नहीं हो पाया, अब उन चीजों को प्राथमिकताएं देंगे अगर जनता मौका देगी तो क्या होगा? देखिए सबसे बड़ा समस्या रोड का नाला का, मेरे यहाँ नाला है ही नहीं और नाला बना ही नहीं है, निकास कहाँ से देंगे? अगर नाला बना भी देंगे तो निकास जरूरी है, तो हम निकास कहाँ से करेंगे? समस्या भी है इसी नाला नहीं बना। नाला रोड बिजली पोल जो भी समस्या है वो हम लोग इस बार करेंगे। हमारी धर्मपत्नी अभी इस बार पार्षद में लड़ेगी। हम मतदाताओं से कहते हैं एक बार मौका आप देके देखिए हमें, हम अगर इस बार काम नहीं करेंगे तो अगले बार हम वोट मांगने आपके बीच नहीं जाएंगे। जी आपका ही वार्ड में जो है हल्के सी बारिश से पूरी तरह जल जमाव हो जाती है, लोगों को चचरी पुल के सहारे चलना पड़ता है, लोगों का जान जोखिम में डालकर चलना पड़ता है, क्या करना चाहेंगे अगर मौका देगा? देखिए इस बार तो जल जमाव का समस्या रहा ही है और बहुत ज्यादा बारिश भी, निकास तो साफ बंद हो गया, बगवाड़ियों को पानी निकलता था वो भी बंद हो गया। और है क्या, सब कुछ लोग जो घर है कुछ मतलब जिधर जिधर गड्ढा गड्ढा साइड में घर बनाए हैं, समस्या तो उसके साथ है और जल जमाव है। हम लोग प्रयास करेंगे वहां तक भी रोड पहुंचावे। और इस ये समस्या मूलभूत समस्या रहा पूरा 45 वार्ड में है, मेरे यहाँ ही नहीं है सब वार्डों में है, लेकिन मेरे यहाँ जो समस्या है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं और इसका समाधान हम जरूर करेंगे इस बार। आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम अपने वार्ड वासियों से अपील करना ही चाहते हैं एक मौका दिया जाए इस बार। अब हम तो फिर अभी तो आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं KTM न्यूज को, इन्होंने हमको एक मौका दिया बोलने का। हम इस बार अगर हम वर्क नहीं करेंगे, जो भी काम अगर बच जाता होगा नहीं कर पाएंगे तो अगले बार हम वोट मांगने नहीं जाएंगे। ये हम अपने मतदाताओं से आग्रह करते हैं, इस बार वोट दीजिए। बस यही मेरा। कितने टर्म आप रह चुके थे? दो टर्म रह चुके हैं। दो टर्म में जो कितने क्या क्या लाभ पहुंचा है अपने वार्ड के लोगों को? देखिए दो टर्म में आपका अभी देखिए 250 आवास बन रहा है, आप उसके बाद आपका कम से कम 450-500 शौचालय का पैसा गया चल, उसके बाद लगभग 800 कार्ड बनाए हैं, विधवा वृद्धा विकलांग 600 आदमी को मिला है, जो मेरे पास मोट 19 था, जो आपका पेंशन धारी को 19 पेंशन ही था, अभी हमारे पास लगभग 600 पेंशन है। टोटल मतदाता कितने आपके वार्ड में? लगभग तो 4,300 कुछ। कितने लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड बननी चाहिए किसी कारणवश नहीं बन पाया? राशन कार्ड लगभग बन चुका है, लेकिन थोड़ा समस्या क्या है, वही जोड़ने वाला है, जो शादी कर लिया है या बाल बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया उसका नहीं जुट पाया है, बस वही समस्या, राशन कार्ड पूरा बना हुआ है। लोगों का यह भी आरोप है कि वार्ड में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, कभी आप नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं ये नहीं है, हम जितना समय अपने वार्ड में देते हैं, अभी आपके माध्यम से लोग देखेगा भी, हम जितना समय दे पाते पूरा 24 घंटा समय पब्लिक के लिए समर्पित है मेरा। अगर फोन कटा ही नहीं हम पहुंच जाते हैं, ये शिकायत कहीं हो ही नहीं सकता है। चुनाव में फिर से उतर गए, सबसे पहले अगर जनता फिर चुन लेगी तो सब चुनने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहेंगे कैमरे के सामने, आप वादा करके बताएं। देखिए अगर इस बार हम जीत के आते हैं फिर से हम दोहराना चाहते हैं, जो भी अधूरा है सड़क नाला वो आपको बरसात में पानी लगता है, जो भी समस्या है मेरे पास इस बार हम पूरा करेंगे और विश्वास के साथ करते हैं कि हम करके दिखाएंगे, क्योंकि इस बार जो हमको मौका मिला जो 10 साल में नहीं हुआ ये 5 साल में होगा। क्या निगम का झंझट रहा नहीं कि मेयर का अविश्वास डिप्टी मेयर का अविश्वास, ये अब नहीं रहा, सिर्फ काम ही होगा नगर निगम का। अब जनता मेयर उपमेयर वार्ड पार्षद चुनती है, इससे कितना लोग लाभान्वित होंगे, मताधिकार का प्रयोग जो है पब्लिक को मिल गया है जी, कितना अच्छा। ये बहुत बड़ा कदम है सरकार की कि इन्होंने ऐसा किया कि मेयर और डिप्टी मेयर को पब्लिक चुनेगी, तो पब्लिक भी मेयर डिप्टी मेयर को पूछ सकता है रोड में रोक के, भाई मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, जैसे हमको पूछती है वैसे मेयर डिप्टी मेयर को भी पूछेगा। और पहले हम लोग चुनते थे, पार्षद लोग चुनते थे मेयर डिप्टी मेयर को, तो चुनने से क्या होता था कि उसको अधिकार नहीं बनता था,
अब तो क्लियर है कि एक पब्लिक में मेयर को रोक के पूछ सकता है ये काम क्यों नहीं किया, ये बहुत बड़ा कदम है। आप ही के वार्ड एक आंगनबाड़ी जहाँ बिजली का तार काफी नीचे से गया हुआ है, उससे आपने कहा था, आश्वासन दिया था लोगों को तार को बहुत जल्दी मरम्मत करवा दिया, ऊंचा स्तर पहुंचा दिया, क्या वो काम पूरा हुआ? नहीं, पूरा नहीं हुआ। इसके बारे में हुआ कि बीच में पानी हो गया, पोल गड़ने का साधन वहां में हो पा रहा था। हमने SDO एक्सिक्यूटिव को भी कहा, जे हिसाब से भी अगर सुन रहे होंगे तो जाने होंगे, हम बोले बहुत नीचे से पोल गया है, पोल जाने के कारण क्या हुआ, तार जो है लगता माथा में सट रहा, आज भी पड़ा हुआ। हम लोग बहुत प्रयास करते लेकिन बिजली भी हुआ क्या है सबको पता है। क्या अगला कदम क्या होगा आप उसके? अगला कदम यही होगा कि जो आप देखे थे आंगनबाड़ी जाने के क्रम में एक सड़क थी, वो दूसरे का जमीन है, उससे भी बात चल रही है। अभी तो हम आचार संहिता में क्या बोलेंगे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जरूर है इस बार वो रोड भी बनाएंगे और आंगनबाड़ी का जो तार जो आप देखे हैं अगले बार देखने का मौका नहीं मिलेगा, पोल मिलेगा। मैं अरुण कुमार आजाद जी, वर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 3 चिताबाड़ी। कैंडिडेट का नाम क्या है? मेरा कैंडिडेट का नाम दीपा देवी। कितने नंबर वार्ड से? 3 नंबर वार्ड।